कैसा फील कर रही हैं आप? इतनी फिक्र हो रही थी मुझे आपकी। बस जरा कमजोरी महसूस हो रही है। तो पापा मेरी तो आंखें नहीं खुल रही थी। बहुत परेशान हो रही हूँ आपके लिए। और कितनी बेबस हूं ना, आपको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकती। परेशान हो रही बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जरा वीकनेस है, ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है, आप खुद को देखें, ये सब उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं। कितनी कमजोर हो गई हैं आप। तो नहीं ले रही ना दवाई, तो मैं क्यों अपसेट हूँ? सब ठीक है बेटा। माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? बेगम, बेगम, मेरी मासूम फूलों जैसी नाजुक सी बच्ची पे क्यों जुल्म करती हो तुम? ओहो, तो मैंने कौन सा खियोड़ा की कान से आए हुए नमक को पीसने पे लगा दिया कि बेटी को मामूली सी चाय बनाने के लिए कहा था? माजरत चाहती हूँ। सुना आपने? सुना, ये आगे भी आपकी बेगम ऐसे ही जुल्म करने वाली है मुझ पर। और नहीं तो क्या? दानियाल, खुदा के वास्ते मत करें जबरदस्ती, इस शादी का अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे अंजाम बुरा हो सकता था, बुरा हो सकता था अगर रानिया हमजा के साथ भागने में कामयाब हो जाती। भाई और भाभी ने इसकी जिंदगी अजाब बना देनी थी। मैंने आपसे कहा था ना, कभी नहीं मानेगी। खताबार में जज्बात में आकर भाई और भाभी के गुस्से में अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर, ये तो इस निकाह के लिए राजी भी नहीं थी। काश आज तुम्हारे बाबा इतनी जल्दी हमें छोड़कर ना जाते। इन लोगों की जरूरत नहीं थी कि हमें टेढ़ी आंख से भी देखते। हाँ, प्रॉमिस करें मुझसे, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कभी अकेला नहीं छोड़ेगी मेरी जान। जब तक जिंदगी है ना, मैं और तुम साथ ही हैं। इंशाल्लाह। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। पता नहीं मामा, आजकल अजीब अजीब से वहम सता रहे हैं मुझे। मत करो वह, जैसा लगता है जैसे हमारी असीरी खत्म होने वाली है। कोई ना कोई मोजा जरूर होगा। पत्नी कब होगा ये मोजा? होगा, जरूर होगा, मुझे अपने रब पे कामिल यकीन है। तुम भी अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा।
मेरे मुलाजमों से भी बदतर हो। समझी? खुदा का कहर पड़ेगा तुम पर। अजाब नाज़िल होगा। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी रात भर सो नहीं सकी। कौन चलती है तेरी? मर मत। हाँ, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे ही तुम्हें ये छूट और आजादी हजम नहीं हो रही। थोड़ी सी आजादी क्या दी, तुम तो भूख को आने लगी। क्या समझती है खुद को? मर गया तुम्हारे लिए और तुम उसके लिए। मैं तुम्हारी जुबान से उसका जिक्र ना सुनूं सना, समझी? सब कुछ तुम्हारे लिए किया था और खुद बर्बाद होकर आ गई। कुछ नहीं किया आप लोगों ने मेरे लिए, आप लोगों ने जो किया वो अपने लिए किया था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमजा और मेरे दुश्मन आप लोग हैं। हमें हलाक करने में भी आप ही का हाथ है। अगर मुझे तंग किया ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, भाग जाऊंगी। क्यों भाग जाऊंगी? एक दफा भाग के चैन नहीं मिला तो दोबारा भागना चाहती हो? याद रखना, अगर इस दफा भागी ना तो दानिश नहीं, मैं तुझे जान से मारूंगी। किसी की परवाह नहीं है मुझे और ना ही करूंगी इस बार। अगर आप लोग तंग है ना मुझसे तो आप ही बता दे, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। और अगर ज्यादा तंग किया ना किसी ने तो आग लगा के जान दे दूंगी अपने। दे जान लगा ले खुद को। तुम जैसी औलाद से बेहतर है बेहलाद हो जाओ। लेकिन इस कमरे से बाहर निकलने का नहीं सोचना, समझी?